कारी का स्टॉल है हमारे पास एक्सक्लूसिव है, एनजीओ स्टार्टअप है, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टअप प्रोग्राम्स करे हुए हैं। चिकन का काम करा हुआ है। अच्छा। ये जो डिजाइन है ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, ये हमारा अपना प्रोडक्शन है, अपना ही मैन्युफैक्चरिंग है। सीजनल एप्पल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो एप्पल का सीजन आता है, एंड दिस इज ऑर्गेनिक एप्पल जूस। तो आ है जी हिमाचली जी पहाड़ी गां कहते हैं, मतलब पहाड़ी काओ का घ्यो, देसी घ्यो। बाबू शाही देख रहे हो तुम, चंडीगढ़ हिमाचल भवन है जो सैक्टर 28 विखे, उ एक एग्जीबिशन शुरू हो चुकी है। सो वक् वक् जड़ियाँ स्टॉल्स रखिया लगिया हुई ने, अलग अलग थावां तो जेडे इत्थे लोग पहुँचे ने अपनी जड़ी है कलाकारी दिखाउण दे लई, अपने प्रोडक्ट्स दिखाउण दे लई। ते काफ़ी जेडे लोग ने चंडीगढ़ दे जेडे लोग ने इत्थे आ रहे ने, ते इस एग्जीबिशन बारे पहला तो जान लैने भी इहदे विच की कुछ खास है इस बारी, तो फिर गल भी करांगे इत्थे जो भी इत्थे पहुँचे हुए ने अपनी स्टॉल्स जिन्हां ने लाई हुई है। रतनदीप वालिया साढ़े नाल मौजूद ने जो ऑर्गनाइज़र ने। रतनदीप जी पहला तो एग्जीबिशन बारे दसो जी, किस तरह की हैगी है, की खास है ये इस बारी वाली। मेरा नाम रतनदीप सिंह वालिया है जी, मैं और मेरी वाइफ अमन वालिया ने मिलकर आप ऑर्गेनाइज़ की हैगी है ये एग्जीबिशन। यदा नाम ग्लोबल फैशन है एग्जीबिशन का, जो कि 3 दिन वास्ते असी हिमाचल भवन चंडीगढ़ लगाई है। अज यद फर्स्ट डे है, 15 तरीक तो लैके 17 तरीक तक 3 दिन वास्ते ये चलेगी, सैटरडे संडे मंडे। तो मैं तुम सारे यही कहंगा कि तुम ये देखना आओ, बिकॉज ये 50 स्टॉल पार्टीसपेट कर रहे हैं और जिद कि अराउंड 40 स्टॉल्स ऐसे हैं कि जेडे कि फर्स्ट टाइम पार्टीसपेट कर रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। और असी हमेशा साड़ी कोशिश यही रही है कि नवा तो नवा स्टॉल चंडीगढ़ निवासियों वास्ते बंद वास्ते लैके आईए, ताकि उन्होंने नवी नवी चीज़ देखने को मिलन और वो बाय कर सकन। और इस दे विच जिवें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड NGOs NSIC खादी उद्योग और दूसरे स्टॉल्स भी है जिहड़े कि अलग अलग स्टेट्स तो आए हैं। इहदे अलावा दिल्ली मुंबई और लखनऊ जयपुर के डिजाइनरस आए हुए हैं, अपनी अपनी आर्टिजन्स भी आए हुए हैं जिहड़े कि अपने प्रोडक्ट्स लैके आए हैं, कई हैंडमेड और कंसैप्टेड डिजाइनिंग। अजकल डिजाइनरस जिहड़े है वो कॉटन और ऑर्गेंजा और लिनन के उत्ते काम कर रहे हैं। अजकल जिवें समर सीजन है तो इन्हों का तुम प्रोडक्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। जिवें कि मैं तुम्हें दस्या एक लाइफ स्टाइल एंड होम डेकोर एग्जीबिशन है, तो लाइफ स्टाइल एंड होम डेकोर एग्जीबिशन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਫਿਰ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਦੇ ਸਟੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਸ, ਕੰਫਰਟਰਸ, ਕੋਟਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਫਰਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਔਰ ਸੋਫਾ ਸੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਔਰ ਮਿਕਸ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਜੁਵਲਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਂਡਬੈਗਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਵਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਂਡਮੇਡ ਜੁਵਲਰੀ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਬੇਸ ਜੁਵਲਰੀ ਔਰ ਪੋਲਕੀ ਐਂਡ ਕੁੰਦਨ ਜੁਵਲਰੀ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਲਵਰ ਜੁਵਲਰੀ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਸਟੋਲ ਹੈ, ਕਿਡਜ਼ ਇਹ ਮੋਮ ਕਿਡਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ 1 ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਜ਼ ਦੇ ਸਟੋਲਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਡਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀ ਨੇ ਫੋਰ ਟੀਨੇਜਰਸ ਐਂਡ ਕਿਡਜ਼, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਨੋਵਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਸਟੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਔਰ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੋਟਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਟੋਲਸ ਆਏ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਟੋਲਸ ਆਏ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਬਲੌਕ ਜੋ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਡੈਨਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੈਨਮ ਦੇ ਡੇਲੀ ਤੋਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ। ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਫਰੋਮ 0 ਏਜ ਟੂ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਈਅਰ ਬੋਰਨ ਟੂ ਅਪ ਟੂ 15 ਈਅਰਸ ਕੀ ਏਜ ਤੱਕ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਲੀਏ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਸਟੋਲਸ ਹੈ। ਔਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਾ ਸਟੋਲ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, NGO ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਟੇਟਸ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਟਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਫਰਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਟ ਸੈਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮੌਸ਼ਮੀ ਹਸੈਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਸੇ।
अच्छा, तो क्या आप इसके बारे में बताइए, आप क्या खास चीज़ें लेके आए? एक्चुअली आई एम अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर एंड दिस विच वी आर डिस्प्लेइंग हियर, ये हम डेनिम पे काम कर रहे हैं। बट डेनिम, अगर आप डेनिम को अगर सोचें तो फर्स्ट उनका यही व्यू आता है कि सिंपल शर्ट्स होगा या सिंपल ड्रेसेस होगा, बट जो हमारा स्पेशली यूएसपी जो है हमारा डेनिम में, दैट इज़ वी आर डूइंग फ्यूजन विथ डेनिम्स। सी लाइक माई डेनिम्स, यू कैन सी दिस इज़ अ एम्ब्रॉयडर्ड डेनिम। हाँ, देन इसमें आप देखिए, दिस इज़ अ, ये जो है इसमें चिकन का काम करा हुआ है। ये जो डिज़ाइंस हैं ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमारा अपना प्रोडक्शन है, अपना ही मैन्युफैक्चरिंग है। सो एंड जैसे ये है, फिर आप ये देखिए, दिस इज़ चिकन का काम। हम ऑथेंटिक जहाँ पे चिकनकारी का जो कराते हैं वो हम पूरा लखनऊ से कराते हैं। कांथा का काम कराते हैं विच वी सेंड टू बंगाल। फिर हमारे जो हैंड पेंटिंग्स के हैं वो वी हैव अनदर टीम, और हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसे जगह से कराएं ताकि हम उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे सकें। सो दिस इज़ वन ऑफ आर मोटो कि हम ऐसे एकदम ऑथेंटिक कहीं ऐसे नहीं कराते, ऑथेंटिक जगह से कराते हैं ताकि उनको भी वर्क मिल रहा है, हम भी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो मैम, जो कपड़ा है वो कम्फर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किस तरह का खास बनाया है? 100% कॉटन है, और जो यू कैन फील द माई डेनिम्स, दिस इज़ नॉट दिस कोर्स, जो आपको रफ वाला डेनिम मिलता है ना वो नहीं, दिस इज़ सॉफ्ट डेनिम्स। आप ये गर्मियों में भी, सीजन में भी, मतलब आराम से पहन सकते हैं। एंड नॉट ओनली ये, हमारे पास बैग्स भी हैं, वी आर डूइंग बैग्स ऑल्सो। आई जस्ट शो यू फ्यू, सी दिस इज़ अ डेनिम का बैग विथ लेदर, प्योर लेदर डन ऑन दिस। ये जो बैग है ये, इसमें इसके साथ हमने प्योर लेदर का इन्फ्यूजन करा। सो ये मतलब दिस आर द थिंग्स विच वी आर डूइंग हियर। तो मैम, आज फर्स्ट डे है, किस तरह का रिस्पांस मिला गर्ल्स की तरफ से, लेडीज़ की तरफ से? अभी तो हमने पूरा डिस्प्ले भी नहीं करा, फिर भी लोग आ रहे हैं एंड दे हमें पूछ रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम फिर से आते हैं, आप थोड़ा लगा लो, फिर हम आते हैं घूम के। तो पीपल find them very interesting and they are eagerly waiting for me to display them and they will come back. ठीक है, थैंक यू। सो होर भी गलबात जी अभी कर लेने है, वक् वक् जड़िया इतने स्टॉल्स लगे हुई ने। सो एक ये तुसी देख सकते हो, साध्या वालों ये जड़ा स्टॉल लाया गया, सो उन्होंने नाल भी गलबात कर रहे हैं। ज्वेलरी आइटम्स दे रिलेटिड है, सो की खास रहन वाला है? की नाम है मैम थोड़ा जी, ते की लेके आए हो तुसी? साध्या। ते हम लोग लेके आए हैं कि इंडिया के हर कोने से, हर गली से हम लोग कोई ना कोई एक एक्सक्लूसिव पीस लेके आए हैं। जो हैंडलूम्स, जो पैटर्न्स वगैरह सब लाइक भूल चुके हैं लोग, हम वो वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वैरायटी ऑफ कॉटन, हम जनरली एक या दो टाइप के कॉटन देखते हैं मार्केट, सो वी हैव गॉट हर टाइप की जो वैरायटी ऑफ मामा कॉटन होती है वो लेके आए हैं। सो एक्सक्लूसिवली पीसेस हर जगह से, थोड़े थोड़े पीसेस हर जगह से आए हैं। ठीक है मैम, ये जो ज्वेलरी आइटम्स है जी, इन की खासियत है? ये एक सिल्वर ज्वेलरी है, बट कुछ होती है कि जिंक में बनी है और कुछ होती है जो ब्रास में बनती है। सो दीज आर ब्रास मेड विद स्टोन्स, और ये एक्सक्लूसिवली हमने ही डिज़ाइन करे हैं ये सारे। हाँ, ऑक्सीडाइज। ठीक है जी, सो तुसी देखिया भी ज्वेलरी के जड़े आइटम्स ने वो भी साध्या वालों जो इतने लियाए गए हैं। तो जिमें कि दस रहे हैं कि इंडिया के वक् वक् हिस्सों तो जी कलैक्शन है उन्होंने की है। सो होर भी तुसी देख सकते हो, आले दुआले बहुत सारिया स्टॉल्स जड़िया लगिया हुई ने। सो खास तौर पर लेडीज़ के लिए जड़िया है वह ज़्यादा जड़े ऑप्शनस ने वो इत्थे रखे गए ने। ते सो जड़िया खाण पीन दी चीज़ों की गल की जाए सेहत पक्षों, तो वो भी कई चीज़ा जड़िया डिस्प्ले दे विच इत्थे लगिया हुई ने। सो वो भी थोनू दिखा दें, एक लेडी है इत्थे, वो आए ने ते कई हिमाचल तो प्रोडक्ट्स जड़े ने वो लैके आए ने, उन्होंने गलबात कर लें। मैम की नाम है जी, कितों आए हो?
मेरा नाम जैस्मिन धालीवाल है एंड मेरा ब्रांड नेम इज द लोकल पिक्स बाय जैस्मिन एंड कीर्ति। मेरे को राजस्थान से हिमाचल के प्रोडक्ट्स है। मेरे को मस्टर्ड ऑयल है, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल जरा मैं राजस्थान तो मतलब आपके साडे फील्ड्स तो है। तो साढ़े को दो तीन वैरायटीज ऑफ टीज है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी एंड सिटी सिटी। सारे को टी बॉल्स भी है एंड इफ मैं हिमाचल वाली साइड तो जानी है, मेरे पार्टनर हिमाचल तो हैगी है, तो उन्होंने आपदे एप्पल ऑर्चर्ड्स है। असी सीजनल एप्पल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो एप्पल का सीजन आता है एंड दिस इज ऑर्गेनिक एप्पल जूस। तो आ है जी हिमाचली जी पहाड़ी गां कहते हैं, मतलब पहाड़ी काओ का घ्यो, देसी घ्यो। सो मतलब जिहड़ियां तुहाडे कोले चीज़ां ने जिवें तुसीं सरों दे तेल तो दस्सिया, ये सरों का तेल जिहड़ा राजस्थान का, उस तो बाद चाहे घ्यो हो गया या जूस हो गया एप्पल का, बिल्कुल ये प्योर है जी 100% दे विच, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, शुगर नहीं? नहीं बिल्कुल कोई, मतलब फिर पूरा कंसैप्ट ही खराब हो जाता है कि जो तुम लोगों को नैचुरल चीज़ा देना चाहते हो तो किमें दोगे। एक्चुअली कुछ एक फ्रेंड तो ही साडा आइडिया बिजनेस शुरू ही उतों होया सी, जो उन्होंने कहा कि तुम तो प्योर चीज़ा खाने हो लेकिन असी नहीं खा पाते गे, मतलब उन्ना प्योर असं मार्केट तो खरीद के खाने हैं। तो फिर दैन द स्टार्टेड की ओके वाई नॉट कि बाकी लोगों को भी जिन्हों जितों तक प्रोवाइड कर सकते हैं ये चीज़ा प्रोवाइड करिए। तो मैम जे थोड़े जूस ने जी इन्हों की जी लाइफ है वो किन्नी हैगी है जी? देखो जी जिहड़ा जूस है ये अनओपन बॉटल दी 1 ईयर तक लाइफ हैगी है। ठीक है, ठीक है, जो ये ओपन हो जाता है फिर इन 24 आवर्स के अंदर कंज्यूम करना पैंदा है। पर बिना वो प्रिजर्वेटिव्स के 1 साल तक के किवें ठीक रह जाते जूस? देखो जी जिहड़ा जो असीं इनू सील करते हैं उदो इनू हॉट एयर दे नाल सील किया जाता है। अच्छा, ठीक है, इन्हें कोई कैमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जूस रिमेन्स एज गुड एज, क्योंकि आप इन हॉट में सील कर दिता तो ये कोई एयर की पैसेज या कुछ मतलब वेरिएशन नहीं होती एनवायरमेंट। असं इनू रूम टैंपरेचर पर ही रखते हैं एंड वी लाइक टैल पीपल कि तुम जो लंबा टाइम रखना है रूम टैंपरेचर पर रखो एंड इफ यू लाइक कोल्ड तो आपके फ्रिजे रख के कोल्ड करके, बट एक बार खुल गई फिर बॉटल जो भी नैचुरल चीज़ होगी एक बार खुल गई तो 24 घंटे के अंदर कंज्यूम करनी पड़ती है। मतलब बहुत शेल्फ लाइफ घट जाती है जी नैचुरल चीज़ा होंगे विच प्रिजर्वेटिव्स होंगे तो ऑब्वियसली वो लंबी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आसाम की जी तुसी गल की जी चाह हैगी है, सो ये तो नॉर्मल पत्तियां ने जिहड़ियां बॉल्स ने जी, ये की खास है, किस तरह के नाल बनती है जी? देखो जी ये जी अपनी ऑर्गेनिक ग्रीन टी लीव्स होंगे हैं उसे तो ही बनाई गई है, ये हैंडमेड है, मशीन थ्रू नहीं जाते, क्योंकि ये बिलीव किया जाता है टी इंडस्ट्री बेसिकली बिलीव करते हैं जिनी चाह पत्ती के जो लीव्स है वो मशीन से जाएंगे उन्नी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उन्ना वो टेस्ट तो वह जो टैक्सचर है बदलता जाता है। ठीक है, ये जो ग्रीन टी बॉल्स है ये हैंडमेड है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी लीव्स नूं हाथ नाल ही प्रोसैस किया गया है, ये टर्मरिक फ्लेवर मतलब रॉ टर्मरिक का फ्लेवर दिता गया है। तो जो इस टी बॉल्स में तुम कंज्यूम करते हो ये वर्किंग प्रोफेसनल्स वास्ते बहुत वधिया है, क्योंकि जिन्ना को टाइम है नहीं गा कि उन्होंने मतलब ए करन सीव नाल छान के मतलब पीन या उवें करके इस बॉल नूं एक कप च पाओ, जस्ट पुट हॉट वाटर ओवर इट एंड इट इज़ गुड टू गो। ये फैलती भी नहीं, ये खुल के फैल नहीं जाती, बॉल रिमेन्स इंटैक्ट एंड गुड पार्ट इज सैकेंड टाइम दोबारा यूज़ कर लो, थर्ड टाइम तीन जो स्ट्रोंग ब्रूज प्रैफर करते हो 3 बार इन पी सकते इको बॉल में, यू जस्ट हैव टू कीप पोरिंग हॉट वाटर ये उत्ते। ठीक है, तो जो लाइट ब्रूअर्स है वो इन आप 4 to 5 times तक भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन असं लोगों को यही कहने कि तुम जो भी इदा करोगे ट्राई टू कंज्यूम इट इन 24 hours। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो असी गल की है वक् जे इतने लोग आए हुए जिन्होंने एग्जीबिशन दे विच हिस्सा लिया, तो अज तो शुरुआत हो चुकी है, फिर तो दस दें चंडीगढ़ हिमाचल भवन है जिहड़ा सैक्टर 28 विखे, उत्थे 3 दिन की एग्जीबिशन अज शुरू हुई है तो मंडे तक ये जारी है। सो तुसी भी इस एग्जीबिशन दे विच आके वक् जिहड़ियां इत्थे चीज़ां ने डिस्प्ले च लगियां ने वो देख सकते। चंडीगढ़ तो कैमरामैन आकाशदीप दे नाल हर्षबाब सिंह सिद्धू, बाबू शाही टाइम्स।